जब आनंद जी को उनके बेटे ने उनसे प्रॉपर्टी ले ली और उनको घर से निकाल दिया धक्का मार के, तब वो 6 महीने तक ऐसे ही दिल्ली की सड़कों पे घूमते रहे। जो माँ बाप अपने बच्चों को पालते हैं, बड़ा करते हैं, उनको अच्छी एजुकेशन देते हैं, वही बच्चे बड़े होने के बाद उनको अपने घर से निकाल देते हैं, उनको बेदखल कर देते हैं, रोड पे छोड़ देते हैं। बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग हैं जो सड़कों पे रह रहे हैं, ना उन्हें खाने की सुविधा है और वो अपनी ज़िंदगी ऐसे बिता रहे हैं। रोजामनम ओल्ड एज होम 2020 में शुरू हुआ था। मकसद ये था, जो बच्चे अपने माँ बाप को धक्के मार के घर से निकाल देते हैं, उनको आश्रय नहीं देते हैं, तो उन बुज़ुर्गों के लिए ये होम खोला गया। हमने इन 3 सालों में इस आश्रम में 100 से ज़्यादा लोगों का रेस्क्यू किया है और उन्हें खुशी भरी ज़िंदगी दी है। हम इस आश्रम में अच्छी मेडिकल सुविधा, अच्छा पौष्टिक आहार और काउंसलिंग करते हैं। इमरजेंसी में तबीयत ख़राब हो जाती है तो उस टाइम हमको कोई व्हीकल नहीं मिलता है, हम लोग ऑटो बुक करते हैं लेकिन वो समय पे नहीं आ पाती है। इसके वजह से हम कई बार बुज़ुर्गों को सही समय पे हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचा पाते। लेकिन अभी हमें काफ़ी दिक्कत आ रही है, जैसे दाल चावल आटा तेल ये सब पर्याप्त मात्रा में अभी हमारे पास नहीं है, और इसके अलावा एम्बुलेंस की, ताकि हम इमरजेंसी के समय पर अपने बुज़ुर्गों को हॉस्पिटल तक ले जा सकें। इनको तो इनके परिवारों ने छोड़ दिया है, अगर हम इनको साथ नहीं देंगे तो ये कहाँ जाएंगे। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आगे आके इन बुज़ुर्गों की मदद करें और ज़्यादा से ज़्यादा दान करें।